वो तो साइड निकल जाऊंगा माइक ला के ਸਨਮਾ ਸਭ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝ ਲਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਤੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਔਰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ लगातार साडे देश की आत्मा ते फेडरलिज्म ते सीधे हमले हो रहे सो इन्हां नूं बिल्कुल रुकना चाहिए और देश नूं अगे हो के पंजाबी तो फिर भी हर लड़ाई दे अगे होंदे पंजाबी अगे लगन लई तैयार है लेकिन देश नूं सारे भाषाई खित्यां दे जिन्हां दे वखरेवें हैगे ने ओह ब्यूटी है साडे देश की उन्हें सारे नूं आपकी आइडेंटिटी कायम रखनी चाहिए और तां ही देश तकड़ा होएगा और जो साढ़े कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़े निर्माता सी जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सी उन्हां दी भावना भी यही सी क्योंकि एडे वे डायवर्स देश को कट्ठा रखना तकड़ा रखना वो फैडरलिज्म जरूरी है सो अज के जो मतिया की गल है बिल्कुल ठीक है ट्रेड होना चाहिए ट्रेड कला जे मतलब सारा एग्रीकल्चर कारपोरेट को फिर ही खुलेगा ट्रेड ट्रेड खुलना चाहिए वो देश की तरक्की होगी जे कोई साड़ी कोई चीज जानी है इतों लाहौर जानी है तो वह वाया कराची को जाए ठीक है जी फिर साड़िया जे कहते भी उतों टैररिज्म आता है या कुछ होर चीज़ आँदी है कहदे लई साडी BSF कहदे लई साडी एजेंसियां सो उन्होंने अपन थोड़ा सशक्त करना चाहिए सो जिहड़ी डायरैक्ट फ्लाइट है उन्हां दी गल भी मैं आपदे तौर पर भी चक्की है मैं वक्त वक्त जिहड़े केंद्र सरकार के मंत्री साहबान उन्होंने मिलता रहा तो मुख्यमंत्री साहब भी आपदे तौर पर लगे हुए है और कोई मैं लगता है भी ये जल्दी हल भी हो जाएगा जो मता पै जाए माड़ी गल विधानसभा लिया सोचोगे अजे मते ये देखो स्पीकर का काम उन्होंने अलाउ करना जो कोई मानयोग विधायक इस चीज की मांग करेगा तो मैं अलाउ करना स्पीकर साहब जितों तक गल करिए फेडरलिज्म की गल की है फेडरलिज्म की गल तो हर कोई करता है सैमीनार्स भी बहुत होते विचार चर्चावां भी लगातार कई सालों तो हो रही ने पर चुकेगा कौन बेड़ा जो गल होगी तो चुके जाना नहीं जी बहुत लंबे समय से बिल्कुल चुक रहे ने सारे लोग काफी बहुत लोग ने जो फेडरलिज्म मदाई आ और कल पंजाब नहीं सारे देश के मदाई है सो उन्होंने कट्ठे होने की जोड़ जो कट्ठे उभर चुके साहब एक बड़ी अहम चीज जे लोग आवाज चकन की कोशिश करते उन्होंने कोई ना कोई एक्शन हो रहे हैं हम अभी जो गल कर अरविंद केजरीवाल भी CBI ने बुला लिया देखते हो ये चीज देखो जी अरविंद केजरीवाल हो गए संजय सिंह हो गए जिन्हों लोगों का मतलब कोई मन ही नहीं सकता भी ये किसी करप्शन के इनवॉल्व होंगे वो सिर्फ तो सिर्फ अगले इलेक्शन की तैयारी है डराने की कोशिश है लेकिन अरविंद केजरीवाल तो डरने वाले इंसान ही नहीं है अरविंद केजरीवाल एक फाइटर ने जिन्होंने सही जिहड़ा सही तरीके दे नाल हिंदुस्तान के लोगों को एम्पावर करने की गल की उन्होंने मतलब वो सारिया सहूलत एक आम बंदे देने की कोशिश की फ्री इलाज सिर्फ नेता मिलता है अफसर मिलता है आम लोगों को दिता गल नहीं की दे के दिखाया एजुकेशन म्यारी एजुकेशन सस् जी एजुकेशन जी सिर्फ अमीर के बच्चों मिलती से दिल्ली दे के दिखाई वो कितने ना कि चाहते ही नहीं है जे लोग सत्ता के काबज ने वो चाहते भी इस तरह जे सारे एजुकेट हो गए तो फिर उन्होंने कोई सवाल करे सो एजुकेशन का जी क्रांति देश में शुरू हुई है दिल्ली तो उन्होंने रोकने वास्ते अरविंद केजरीवाल होर डराने की कोशिश की जा रही है लेकिन मैंने पता भी देश उन्होंने नाल असं सारे उन्होंने नाल बिल्कुल नहीं डर भगवंत मान साहब ने कहा कि पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं खुलेगा वाघा बॉर्डर देखो ये उन्होंने मुख्यमंत्री साहब का उन्होंने फैसला लेना किमें करना की नहीं करना लेकिन अगर साडा बॉर्डर खुलता साडिया एजेंसी पूरा प्रॉपर काम कर दी हैं असं हम जाने करतारपुर साहब जी तुम उ चैकिंग होंगी सारी बिल्कुल डिस्कशन तो होंगी है जी डिस्कशन तो करेंगे मेरा व्यू है उन्होंने व्यू है सो जे आप मतलब आपकी एजेंसी ठीक कर लीए तो कोई समा आऊगा क्यों जे मोदी साहब उत्थे जा सकते नवाज शरीफ को फिर बॉर्डर भी करके खुल सकता अज नहीं खुल सकता फिर फ्यूचर खुल सकता वो तो लगातार वार हो रहे हैं जी लगातार वार हो रहे हैं और आप सारे कट्ठे हो गए मीडिया आम लोगों कट्ठे होके जिहड़ा देश के खिलाफ एक साजिश है जी फैडरल बहुत सारे चैनल बंद हो रहे हैं जी जे कोई इलीगैलिटी होंगी तो एक्शन जरूर होगा।